बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव इज कॉल्ड कैरियर वेव। ऑप्शन बी इसका ठीक होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिटेड फ्रॉम द एंटीनाज आर, दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 3, The frequency of AC is option C इसका ठीक होगा। frequency और time period का inverse relation होता है, ये inversely proportional होते हैं एक दूसरे के। Question number 4, The peak value of AC I naught is given as, तो peak value जो है वो हमारे पास जो है वो given होगी as a under root 2 into RMS value। option D इसका ठीक होगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5, द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट एसी थ्रू रेजिस्टर इज, तो एसी में इनमें फेज डिफरेंस जो है वो जीरो होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द नेट रिएक्टेंस ऑफ अ सर्किट इज जीरो, द सर्किट में कंसिस्ट ऑफ, तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन सी, बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैविंग द वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ, तो इनकी रेंज जो है ये 10^-10 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी बी अल्ट्रावायलेट से विजिबल, विजिबल से रेडियो वेव। क्वेश्चन नंबर 9, If the I naught is the peak value of an AC supply, then its RMS value is given as. So RMS value जो है वो हमारे पास given है option A में. It's I naught यानी peak value divided by under root 2. Question number 10. The resonating frequency of RLC series circuit is given. तो इसको option जो है ये C ठीक होगा. Question number 11. At resonance, RLC series shows the behavior of resonance के ऊपर RLC जो है वो pure resistive circuit behave करता है. Option A इसका correct होगा. At high frequency, RLC series circuit shows the behavior of, high frequency के ऊपर जो series circuit है RLC series circuit वो क्या करेगा? Inductive circuit के तौर पे बिहेव करेगा। इन दैट केस इसकी जो रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर है वो ओवरकम करेगी, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये इंडक्टिव सर्किट। ऑप्शन ए इसका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इन द कैपेसिटिव सर्किट ऑफ एसी क्वांटिटी व्हेन क्यू इज इक्वल टू जीरो, द स्लोप ऑफ क्यू टी कर्व इज, इट्स ऑप्शन ए मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन नंबर 14, इन आरएलसी सीरीज सर्किट एट लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर है वो ज्यादा होती है, तो हम इसका ऑप्शन बी जो है वो क्या करेंगे, करेक्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, द बेसिक सर्किट एलिमेंट्स इन एन एसी सर्किट इज, तो एसी सर्किट के बेसिक एलिमेंट्स जो है वो तीन है, रेजिस्टर है, कैपेसिटर और इंडक्टर, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। डायरेक्ट करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू कैपेसिटर, तो कैपेसिटर जो है वो डीसी को अलाउ नहीं कर। क्वेश्चन नंबर 17, द पीक वैल्यू ऑफ एसी सोर्स इज 20 एम्पियर, देन इट्स आरएमएस वैल्यू विल बी, तो इसका फॉर्मूले से लेंगे तो ऑप्शन ए 14 एम्पियर जो है वो ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इन आरएलसी सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक्स सी एंड एक्स एल, सो ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की रेंज जो है वो 88 मेगाहर्ट्ज़ से 108 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज इज कॉल्ड, सो हम इसको पीक टू पीक वैल्यू कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। द फेज एंगल एट अ पॉजिटिव पीक वैल्यू इज, तो ये 5/2 होगा जी, ऑप्शन ए। द पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज इज गिवन बाय, एसी वोल्टेज के लिए जो पीक वैल्यू है वो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, अंडर रूट 2 इनटू आरएमएस वैल्यू, ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा,
करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, द इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल ऑफ अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस एल अक्रॉस एन एसी सोर्स इज गिवन बाय। सो ये हमारे पास ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा।